हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटी कॉलेज चूरू। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। आज हम स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, मैं पहले बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। तो गाइज, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, रिपल्सन मोटर का मैंने पहले पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर की। तो अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिएगा घर बैठे। ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें क्या है कि स्लीप रिंगें लगी हुई होती हैं। हमें इसका पॉइंट है, इसमें पॉइंट बना के लिखते हैं। एक नंबर का पॉइंट रहेगा, इसे सरपी वाले इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसे सर्पी वाले इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ओके गाइज, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर को सर्पी वाले इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। अगला दो नंबर पॉइंट रहेगा इस मोटर का, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइज, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। तो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर में स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर में केवल एक ही वाइंडिंग केवल एक ही वाइंडिंग स्थापित की जाती है केवल एक ही वाइंडिंग स्थापित की जाती है तथा इस वाइंडिंग के एक सिरे पर प्रतिरोध तथा दूसरे सिरे पर प्रेरक संयोजित किया जाता है जिससे
जिससे फेज अंतर, फेज डिफरेंस, फेज अंतर उत्पन्न होकर, फेज अंतर उत्पन्न होकर फेज अंतर उत्पन्न होकर टोरक उत्पन्न होता है। टोरक उत्पन्न होता है, टोरक उत्पन्न होता है। ओके गाइज, हमने ये दो पॉइंट पढ़े कंस्ट्रक्शन के। हमें इस मोटर का डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इस मोटर का डायग्राम बना लेता हूं। उसके बाद में हमें आगे अध्ययन करेंगे संरचना का। तो गाइज, स्लीपिंग मोटर का डायग्राम बना लेते हैं। मैंने यहां बताया कि एक सिरे पर प्रतिरोध तथा दूसरे सिरे पर प्रेरक संयोजित किया जाता है, किसमें? स्टेटर में। तो यहां पे मैं स्टेटर का डायग्राम बना लेता हूं। ये स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग है। ओके गाइज, ये स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग है। ये क्या है? दो वाइंडिंग, और इन वाइंडिंग में एक हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। ये क्या है? प्रतिरोध हमने जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया। ओके, प्रतिरोध जोड़ दिया, और एक हमने यहां पे इंडक्टर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? इंडक्टर। ये हमने इंडक्टर जोड़ दिया। इंडक्टर क्या होता है? एक तार को कुंडली के रूप में बना दिया। ये हमने एक इंडक्टर जोड़ दिया। ओके, ये इंडक्टर है और ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध का निशान है। ये हमारी क्या है? रनिंग वाइंडिंग, RUNING, रनिंग वाइंडिंग। और ये क्या है? पूरा स्टेटर है। ये STATER, स्टेटर। ओके, ये क्या है? प्रतिरोध। और ये क्या है? प्रेरक, यानी प्रेरक की प्रेरकीय प्रेरकीय कुंडली। ओके गाइज, ये दो पॉइंट रह जाते हैं। यहां पे हमें सप्लाई देते हैं मोटर। ओके, हम आगे बात करते हैं रोटर की। इसमें रोटर है वो किस प्रकार का होता है? तो गाइज, मैं ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही रोटर बना रहा हूं। हम बात करते हैं रोटर के अंदर क्या होता है उसकी। ओके गाइज, तो मैं यहां पे एक रोटर की संरचना यहां पे मैं बना देता हूं। ये हमने एक रोटर की संरचना यहां पे बनाई है। यहां पे हम इसके कार्बन ब्रूस लगाएंगे, एक कार्बन ब्रूस।
और यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप लगाया हमने, यहाँ पे हमने ये कार्बन ग्रुप यहाँ पे लगा दिया हमने, और एक कार्बन ग्रुप हमने तीसरा यहाँ पे लगा दिया। ओके गाइज, यहाँ पे हमने तीन कार्बन ग्रुप से लगा दिए, और ये क्या है, तीन स्लिपिंग है, एक दो और ये तीन, ये स्लिपिंग है। इन स्लिपिंगों के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं? पहला, ये जो कनेक्शन है तीन नंबर का, ये यहां पे हो जाता है, ये कनेक्शन गाइजे यहां पे हो जाता है। दूसरा, और ये कनेक्शन यहां पे हो जाता है। ओके, ये क्या है, स्टेटर। ये बीच में एक रोटेटिंग स्विच होता है, यहां पे एक रोटेटिंग स्विच होता है, रोटेटिंग स्विच होता है यहां पे, फिर यहां पे, और फिर यहां पे। इस प्रकार का एक रोटेटिंग स्विच होता है जो स्टार्टिंग के अंदर प्रतिरोध को जोड़े रखता है। तीनों प्रतिरोध सेम मान के होते हैं, वो स्टार्टिंग के अंदर तीनों प्रतिरोधों को सेम मान से जोड़े रखता है, सेम मान से जोड़े रखता है स्टार्टिंग प्रतिरोध। और बाद में क्या है, जब मोटर के अंदर स्टार्टिंग के समय में प्रतिरोध का मान अधिक होगा, तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो मोटर टोर्क अधिक बनाएगी। अगर मोटर अधिक टोर्क बना रही है तो वो मोटर ताकत के साथ चलेगी, तो स्लिपिंग मोटर है वो अधिक टोर्क के साथ चलती है, मोटर के अंदर अधिक टोर्क उत्पन्न होगा। और बाद में क्या है, हम क्या है, इन प्रतिरोध को, इस रोटेटिंग स्विच के द्वारा प्रतिरोध को, तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाता है, जिससे मोटर में रनिंग अवस्था में जब मोटर चलती है उस अवस्था में ऊर्जा की हानि नहीं होती है इन अतिरिक्त प्रतिरोध के कारण। ये अतिरिक्त प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध युक्त स्टार्टर है। हम आगे इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब पूरी आपके समझ में आएगी। तो गाइज, ये जो मोटर है, इस मोटर का जो रोटर होता है उस रोटर में किसी प्रकार की सप्लाई नहीं दी जाती। हालांकि ये के ज्यादा एफिशिएंट थ्री फेज स्लिपिंग मोटर है, लेकिन सिंगल फेज स्लिपिंग मोटर भी होती है। तो गाइज, यहां पे हमने स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का डायग्राम देखा। ओके, हम क्या करते हैं, यहां ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, STARTING स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये रनिंग वाइंडिंग है। ये थ्री फेज, ये जो पॉइंट है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, ये ऊपर वाली, ये जो तीन वाइंडिंग है ना, वो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। और ये क्या है, ऊपर वाला, ये है थ्री फेज रियोस्टेट प्रतिरोध, थ्री फेज रियो STATE, थ्री फेज रियोस्टेट। और ये क्या है, ये हैं तीन स्लिप रिंग, तीन स्लिप रिंग, RING, तीन स्लिप रिंग है ये। ओके गाइज, मैंने सबके बारे में बता दिया है। और ये जो मोटर है, यहां पे मैं बता देता हूं गाइज आपको पहले ही, कि ये सिंगल फेज
सप्लाई से स्टेटर को दी जाती है, और ये रोटर है वो थ्री फेज रियोस्टेट से संयोजित होता है, और रोटर के अंदर स्टार संयोजित थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो हम बेसिक संरचना के अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, हमें इसी के अंदर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, संरचना के अंदर पॉइंट नंबर 10। स्टूडेंट हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम को आप ध्यान से देखते रहिएगा, इसी के ऊपर हम थ्योरी समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड ईयर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मोटर है ये, तो आप इस मोटर को ध्यान से पढ़िएगा। इस मोटर से संबंधित दो या तीन क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो गाइज आप इस मोटर को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक बार रिवीजन में फिर से आपको यही मोटर करवा देंगे। बेसिकली वैसे मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे करवा दिया है, और जिस बच्चे का ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, जैसे ही हमारी कॉलेज खुले तो आप अवश्य ही इस मोटर का प्रैक्टिकल कर सकते हो। हम तीन नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं कि इस मोटर के रोटर में, इस मोटर का ये क्या है आगे वाला भाग, ये रोटर है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, इस मोटर के रोटर में स्टार संयोजित थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित थ्री फेज वाइंडिंग एक सौ थ्री फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के स्थापित तो की जाती है, लेकिन मैं कलांतर बता देता हूं, 120 डिग्री के कलांतर पर स्थापित की जाती है, कलांतर पर स्थापित की जाती है। इस मोटर के रोटर में स्टार संयोजित थ्री फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के कलांतर पर स्थापित की जाती है, जिसे तीन स्लिप रिंग तथा तीन कार्बन ब्रूस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, तीन स्लिप रिंग, एक दो तीन, और तीन कार्बन ब्रूस, एक दो तीन, तीन कार्बन ब्रूस के द्वारा थ्री फेज बाह्य यानी ये बाहर की तरफ लगा हुआ आता है, थ्री फेज बाह्य रियोस्टेट, थ्री फेज बाह्य रियोस्टेट से संयोजित किया जाता है, थ्री फेज बाह्य रियोस्टेट से संयोजित किया जाता है। ओके गाइज, थ्री फेज बाह्य रियोस्टेट से संयोजित किया जाता है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज, ताकि आपको आप बेसिकली वैसे ही पढ़ सकें। ओके गाइज, हम आगे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, और आगे डायग्राम के अनुसार ही हम थ्योरी बनाते हैं। आगे का पॉइंट रहेगा गाइज, अगला पॉइंट है चार नंबर का, स्टार्टिंग के समय रोटर
ड्यूस्टेट का मान स्टार्टिंग के समय रोटर रियोस्टेट का मान उच्च रखा जाता है उच्च रखा जाता है तथा एक बार मोटर के तथा एक बार मोटर के गतिशील अवस्था में आने के बाद गतिशील अवस्था में आने के बाद प्रतिरोध हटा लिया जाता है। बाह्य रियोस्टेट के द्वारा प्रतिरोध लगाया जाता है उसको इस रोटेटिंग नोब के द्वारा घुमा करके प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों को प्रतिरोध हटा लिया जाता है हटा लिया जाता है प्रतिरोध हटा लिया जाता है ताकि ऊर्जा के आने ना हो ताकि रनिंग अवस्था में यानी जब मोटर चल रही है तब रनिंग अवस्था में ऊर्जा की हानि ना हो ताकि रनिंग अवस्था में ऊर्जा की हानि ना हो इसलिए हम क्या करते हैं मोटर रनिंग अवस्था में आने के बाद प्रतिरोध को हटा लेते हैं। आगे 5 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। इस मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क का मान इस मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क का मान आवश्यकता क्योंकि इसमें प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं वो कम प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कम टॉर्क उत्पन्न करेगा और अधिक प्रतिरोध जोड़ देंगे तो अधिक टॉर्क उत्पन्न होगा स्टार्टिंग अवस्था में तो इस मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क का मान आवश्यकता अनुसार रखा जा सकता है आवश्यकता अनुसार रखा जा सकता है इस मोटर में उत्पन्न टॉर्क का मान आवश्यकता अनुसार रखा जा सकता है जितने टॉर्क की हमें आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रतिरोध संयोजित करके इस मोटर में टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। ओके गाइज हमें क्या करते हैं कि इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है इस मोटर का उपयोग तो अगला पॉइंट रहेगा यूज उपयोग। ओके गाइज उपयोग के अंदर इस मोटर को ऐसे स्थानों पर बेसिकली हमें पता ही है कि यह मोटर अधिक टॉर्क उत्पन्न करती है तो हमें इस मोटर को ऐसे स्थानों आप
गौर कर लीजिएगा कि किस प्रकार की जगह ये मोटर काम में ली जाती है। इस मोटर को ऐसे स्थानों पर, मैं वैसे रटा नहीं रहा कि मैंने बता दिया कि इस मोटर का इस्तेमाल है वो वहां किया जाता है। इस मोटर को ऐसे स्थानों पर काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है जहां आवश्यकता अनुसार, जहां आवश्यकता अनुसार स्टार्टिंग टोरक की, स्टार्टिंग टोरक की आवश्यकता अनुसार स्टार्टिंग टोरक की आवश्यकता होती है। यानी जहां पे मोटर का टोर्क बदला जा सके उन स्थानों पे आवश्यकता अनुसार स्टार्टिंग टोर्क की आवश्यकता होती है। जहां पे टोर्क का मान बदला जा सके उन स्थानों पर हम इस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो गाइस इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक सिंगल फेज स्टार्टर होता है, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर काम में लिया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर काम में लिया जाता है। तो हमें इस मोटर को सिंगल फेज डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ते हैं सिंगल फेज DOL स्टार्टर, सिंगल फेज DOL स्टार्टर। सिंगल फेज एसी मोटर में, सिंगल फेज एसी वैसे लिख देता हूं, सिंगल फेज एसी मोटर में DOL स्टार्टर काम में लिया जाता है। DOL स्टार्टर काम में लिया जाता है। यह मोटर स्टार्टर क्या करता है, यह मोटर को यह मोटर की ओवरलोड, यह मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करता है। यानी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, जिससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, OLC लगी हुई होती है, ओवरलोड कॉइल लगी होती है जो मोटर को ओवरलोड से बचाती है। यह मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करता है तथा सुचारू रूप से मोटर को स्टारू सुचारू रूप से मोटर को ऑन या ऑफ करने का, ऑन या ऑफ करने का प्रबंध करता है, ऑन या ऑफ करने का प्रबंध करता है। इस मोटर में, सॉरी, इस स्टार्टर में मैंने बताया ना कि मोटर को ओवरलोड से बचाता है, तो इसमें क्या लगी हुई होती है, OLC,
ओवरलोड कॉइल। इस मोटर, इस स्टार्टर में, और वो कहां लगी होती है? मोटर के श्रेणी क्रम में। ओवरलोड कॉइल कहां लगी होती है? मोटर के श्रेणी क्रम में। थर्मल, थर्मल ओवर लोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले यानी OLC ओवरलोड कॉइल संयोजित होती है। मोटर के श्रेणी क्रम में ओवरलोड कॉइल संयोजित होती है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मोटर के श्रेणी क्रम में थर्मल ओवरलोड रिले, जिसको OLC बोलते हैं, वो मोटर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, जो मोटर को ओवरलोड से बचाती है, ओवरलोड से सुरक्षा करती है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको रिवीजन में पढ़ सकें। ओके गाइज, ये हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हुई। और हम आगे जो विभिन्न प्रकार की मोटरें हैं जो आज तक हमने पढ़ी हैं, हर वीडियो के अंदर सिंगल फेज की मोटरें जितनी भी पढ़ी हैं, उसका कौन सी मोटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ये सारी मोटरें पूरी हो गई हैं। तो गाइज, मेरा कहना है कि इस महामारी के संकट में लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। इसी के साथ आज के लिए थैंक्स।